झुंझुनू की चुड़ाव में पिछले साल सरकार ने सरकारी कॉलेज खोला था, जिसके बाद इस कॉलेज का संचालन अड़ुकिया स्कूल के अस्थायी भवन में हो रहा था। सरकार नए भवन के लिए जमीन तलाश रही थी कि इसी दौरान कस्बे की पुरातन संस्था नेहरू बाल मंदिर के प्रबंध समिति ने अपना झुंझुनू रोड स्थित भवन कॉलेज के लिए दान करने का प्रस्ताव किया। इसके बाद इस प्रस्ताव पर सरकार के समक्ष स्तर पर विचार चल रहा है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर यूडी खान ने नेहरू बाल मंदिर के भवन का दौरा किया और उसे कॉलेज के लिए सही माना। उन्होंने कहा कि नेहरू बाल मंदिर प्रबंध समिति पूरी तरह से कॉलेज के लिए अपना भवन देने को तैयार है। उन्होंने लगभग अपने भवन को खाली भी कर दिया है। ऐसे में सरकार के फैसले के बाद यदि आदेश होता है तो सरकारी कॉलेज को नेहरू बाल मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए कॉलेज भवन के लिए 6 हेक्टेयर जमीन तलाशी जा रही थी, जिसका काम फिलहाल रोक दिया है। इस मौके पर SDM संदीप चौधरी, तहसीलदार गंभीर सिंह आदि मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में चिड़ाव में कॉलेज स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अड़ुकिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है। वहाँ पर निरीक्षण किया गया, वहाँ पे जो व्यवस्थाएँ थी उसमें कुछ खामियाँ मिली हैं। खामियाँ तो विशेषकर फर्नीचर की कमी की हैं, बाकी वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ की जो टीचर हैं, काफ़ी डेडिकेटेड हैं। उन्होंने जितनी जगह उनको उपलब्ध करवाई थी बहुत अच्छे से उसको रखा है, साफ सुंदर और पठनीय पढ़ाई का माहौल वाला रखा है। उस जगह की कमी की वजह से राज्य सरकार के स्तर पर 6 हेक्टेयर ज़मीन आवंटन करने का प्रस्ताव चल रहा था। इसी दौरान भामाशाह हमारी हैं चिड़ौर की, उन्होंने ये नेहरू बाल शिक्षा मंदिर नाम से बिल्डिंग है, उनका चलता हुआ स्कूल है, उनको सरकार को डोनेट करने के लिए प्रस्ताव कर रखे हैं। और इस भवन के कॉलेज को शिफ्ट करने की अभी प्रक्रिया विचाराधीन है। नई जो जगह है बड़ी अच्छी है, सुंदर है, अब बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए पठन मतलब अच्छा एटमोसफियर रहेगा। और मेन रोड पर है, आदर्श बिल्डिंग जिसे बोलते हैं कॉलेज की, इस तरह की बिल्डिंग है, अच्छा है। मेरा मत है और मेरा विचार है कि यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, अच्छा उनको माहौल मिलेगा और अच्छे भावी नागरिक होंगे। पर इस पर बाकायदा काफ़ी आगे की तैयारियां चल रही हैं। आपने अभी देखा है कॉलेज के भवन का, इन्होंने जो ट्रस्ट है इसने करीब करीब खाली कर दिया है और साथ में इन्होंने रिपेयर का वर्क भी करवा लिया है। 5-7 दिन में ही इनकी तरफ से देने की पूरी कार्रवाई चल रही है। राज्य सरकार के स्तर पर प्रकरण बाकायदा एक्टिव कंसिडरेशन में है और मैं सोचता हूँ जल्दी ही उस पर निर्णय होगा।